उदयपुर के मैग्नेस हॉस्पिटल की लापरवाही से नवजात बच्चे की आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उदयपुर शहर में चारों तरफ आमजन में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। मैग्नेस हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज उदयपुर के विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया का घेराव करते हुए मैग्नेस हॉस्पिटल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं लोगों ने जब इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से बात की तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की टीम को मैग्नेस अस्पताल भेजा और जांच के निर्देश दिए। जांच नहीं आता तो सीज करा कराओ। जब तक नहीं हमारे ये मांगे जब तक जांच नहीं हो तो सीज कर रहे हैं। आपके हाथ में उसको बैठा के फाइनल करा। कोर्ट संज्ञान ले सकता हूँ, आप भी तो संज्ञान ले सकते हो। सर ये निवेदन था कि उदयपुर जितनी दुकानें चल रही निजी हॉस्पिटल सब जगह लूटमार चल रही है, आए दिन कुत्ते कुत्ते चलता है। ये सर अच्छी बात है, पंचायत को शिकायत प्राप्त हुई परिवार का लगी हुई है। हम सर 8 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ बैठाएंगे सर सबको। इस गर्मी के अंदर पूरा उदयपुर शहर जाम कराएंगे सर। ये जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। 7 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं तो पूरे हम तो बैठेंगे सर, बाहर बैठेंगे, यहाँ बाहर बैठेंगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अभी देंगे सर, बात हो गई है। आज आनंदी मैडम भी यही सर फिर हॉस्पिटल जाके आया था वही है मैडम। प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों कराते हैं? बेसिक चीज ये है, बेसिक चीज ये है, प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों कराते हैं? 10 में से 8 सीजर यहाँ का यहाँ ये 500-700 लोग आए हुए हैं अपने इलेक्टेड में, ठीक है। तो अपने CMHO को बोला है आप भी किसी एक्सपर्ट को भेजो, एक वाली टीम को भेज रहे हैं मैग्नेस में। तो आपका इनका ये है कि वो बच्चा कोई था 8 महीने का, उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी भी डॉक्टर ने बताया नहीं, कोई टेस्ट होता है और बच्चे का वो शायद रोशनी चलेगी आंखों की। बहुत सीरियस मैटर है, 8-5 लोग आए हुए हैं। हाँ आप दो तीन लोगों को आपको अपॉइंट करो, बाकी मैंने शंकर बामनिया को बोला है सर 8-10 लोगों की टीम जाके वो सारा सब चेक करें, ठीक है। ओके सर, रिपोर्ट भी कैसे देंगे सर? पहले आई टेस्ट के लिए वहाँ गए ना उनका, यार आप एक काम करना, आपके 8-10 लोग हैं वहीं जाना हॉस्पिटल में ही सर, एक डॉक्टर मिलेंगे उनका सारी। सर उन्होंने जिस तरीके से बदमाशी गेम किया ना सर, गेम सारी मैं बोल रहा हूँ सारी बातें बताना सर। जितना 2 महीने पहले सर रिपोर्ट दी थी, 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्या थाना अधिकारी और SP साहब की किसी की जिम्मेदारी नहीं है हमको न्याय दिलाए? 2 महीने से थाने के राउंड काटो और हॉस्पिटल के राउंड काटो, इसी चीज की सर। SP साहब ने बोला कि कमेटी बनेगी, 2 महीने हो गए और थाना अधिकारी इसमें क्या होता है डॉक्टरों के मामले में, जब तक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आती है ना तब तक मामला नहीं बनता सर। वो तो उसमें आप अपनी मदद करो ताकि आगे किसी के साथ और सारा जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड इकट्ठा करने में अपनी मदद करो। अभी डॉक्टर की टीम आ जाएगी, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो दो, और उसमें अगर लापरवाही आती है तो केस भी बन जाएगा। जो आप कह रहे हो ना वहीं जाना है, मैंने थाने में सर सारी इतनी बड़ी रिपोर्टें दी, पर जब तक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आती ना तब तक केस डॉक्टर ही बार बार उनमें बात ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच देते चिकित्सालय में कराओ, तो हमने AC में जांच कराई। AC में जांच कराने के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसको एम्स में ले जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। एम्स वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बहुत बड़ी उसकी से हम हैदराबाद गए और 1 महीने के अंदर ही होती है। ये 10 महीने का बच्चा मुझे 2 दिन पहले पता चला।
अंकल अंकल आप ये जीवन भर परेशान मत करो, सर ये इसको परेशान नहीं करो। आज इसको एक और केस आ गया भाई, हॉस्पिटल को बंद कराओ सर। सबसे बड़ी केस है, हमने भाने जी को ज्ञापन दिया है, भाने जी यही यही बुलाया हमने, और वो कह रहे थे बंद कराऊंगा। 5 दिन में इस हॉस्पिटल को बंद कराया, उसके जांच कमेटी बैठा है, जांच कमेटी बैठा के इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट चेंज कर दी सर। अरे योगेश बोल, तू बता।